हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 के लिए साइकोलॉजी के सेट वन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, मॉडलिंग के साथ किसका नाम जुड़ा है, वाटसन, बैंडूरा, स्किनर या फिर मावरर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, मॉडलिंग के साथ किसका नाम जुड़ा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बैंडूरा का नाम जुड़ा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, आत्मविश्वास के स्तर में कमी का परिणाम हो सकता है, खराब कार्य, निरसन या फिर निम्न रुचि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, खराब कार्य। तीन नंबर क्वेश्चन है, स्याही धब्बा परीक्षण किसने विकसित किया, एडलर, फ्राइड, कॉफमैन या फिर रोडशाक। तो स्याही धब्बा परीक्षण किसने विकसित किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, रोडशाक ने विकसित किया। चौथा क्वेश्चन है, डी एच एम चतुर्थ में कितने आयाम हैं, दो, चार, पाँच या फिर छः। तो कितने आयाम हैं डी एच एम में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पाँच आयाम है। पाँच नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने बॉस की डांट खाने के बाद अपने चपरासी पर क्रोध करता है, यह उदाहरण है, प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया निर्माण, विस्थापन या फिर दमन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छः नंबर क्वेश्चन है, पांच कारक मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, मैक्रो तथा कोस्टा या फिर डेविस या फिर कार्सन या फिर केंडाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पांच कारक मॉडल किसने प्रतिपादित किया, प्रस्तावित किया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मैक्रो तथा कोस्टा हो जाएगा। सात नंबर क्वेश्चन क्या है, बुद्धि का एस कारक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, एडलर, बीने, अल्पोर्ट या फिर कैटेल। तो बुद्धि का एस कारक ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्फ्रेड बीने। अगला क्वेश्चन है, पाँच नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, आठ नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति के आकारात्मक मॉडल को किसने विकसित किया, आइजेंक, कैटल, फ्राइड या फिर इरिक्सन। व्यक्ति के आकारात्मक मॉडल को किसने विकसित किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्राइड। फ्राइड ने ही व्यक्ति के आकारात्मक मॉडल को विकसित किया। नौ नंबर क्वेश्चन क्या है, परामर्श है क्या है, परामर्श जो है वो क्या है, सहायता, सेवा, पारस्परिक सीखना, मार्गदर्शन या फिर उपरोक्त सभी। तो परामर्श जो है ये क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी है, सभी है, सहायता, सेवा, पारस्परिक सीखना, मार्गदर्शन, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दस नंबर क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक प्रतिबल प्रबंधन तकनीक में डैश अवस्थाएँ हैं, दो, तीन, चार या फिर पाँच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक प्रतिबल प्रबंधन तकनीक में डैश अवस्थाएं हैं, मतलब कितनी अवस्थाएं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तीन अवस्थाएं हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक परीक्षण है, शाब्दिक, क्रियात्मक, अशाब्दिक या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक परीक्षण जो है ये अशाब्दिक परीक्षण, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बारह नंबर क्वेश्चन है, एक रोगी जिसे अपनी पहचान याद नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, व्योमोह, मनोविच्छेद, आत्म विस्मृति, विकृति या फिर स्मृति लोप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मनोविच्छेदी, आत्म विस्मृति, विकृति। तेरह नंबर क्वेश्चन क्या है, क्रमबद्ध असंवेदीकरण का प्रयोग होता है, भय न्यूनीकरण में, चिंता बढ़ाने में, स्वास्थ्य में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, भय न्यूनीकरण में। चौदह नंबर क्वेश्चन है, मनोविदलता शब्द सबसे पहले, मनोविदलता शब्द पहले किसने प्रयुक्त किया था, अब्राहम, कोलमैन, ब्यूलर या फिर फ्रायड। तो मनोविदलता शब्द पहले किसने प्रस्तुत किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्यूलर ने प्रस्तुत किया था। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि लब्धि का प्रसार है, 80 से 90, 90 से 109, 110 या फिर 120। तो सामान्य जो बुद्धि लब्धि का प्रसार है वो कितना है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 90 से 109 के बीच। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चिंता का मुख्य लक्षण है, भय, असुरक्षा, आशंका या फिर व्यामोह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, चिंता का मुख्य लक्षण जो होता है वो आशंका होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है,
मनोलैंगिक अवस्थाओं की संख्या कितनी है, 4, 5, 3 या फिर 6? तो मनोलैंगिक अवस्थाओं की जो संख्या है वो कितनी है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 संख्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन इन द माइंड्स ऑफ मेन संबंधित है, किससे संबंधित, अन्ना फ्राइड से, एरिक फ्रॉम से, फेस्टिंगर से या फिर गार्डनर मर्फी से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इन द माइंड्स ऑफ मेन संबंधित है, किससे संबंधित है, ऑप्शन डी हो जाएगा, गार्डनर मर्फी से संबंधित है इन द माइंड्स ऑफ मेन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेल्डन ने कितनी तरह के व्यक्तित्व प्रकार बताए हैं, 4, 2, 3 या फिर 5? तो शेल्डन ने कितनी तरह के व्यक्तित्व प्रकार बताए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 तरह के बताए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत संबंधित है, सीखना, पूर्वाग्रह, मनोवृत्ति या फिर अभिवृत्ति? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मनोवृत्ति। संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत संबंधित है, मनोवृत्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन है व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है व्यक्ति के व्यवहारात्मक दोषों को जानने के लिए या फिर व्यक्ति के विकास के लिए या फिर व्यक्ति के समायोजन के लिए या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति का अध्ययन जो किया जाता है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन है बीने ने साइमन के सहयोग से पहले बुद्धि परीक्षण तैयार किया था कब, किस वर्ष में, 1908 में किया था, 1911 में, 1905 में या फिर 1916 में? तो बीने ने साइमन के साथ सहयोग से पहले बुद्धि परीक्षण तैयार किया था वो कब किया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1905 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन है विषाद का संज्ञानात्मक मॉडल किसने प्रस्तुत किया है, फ्रायड, अब्राहम, कोलमैन या फिर बेक? तो विषाद का संज्ञानात्मक मॉडल किसने प्रस्तुत किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बेक। बेक ने ही विषाद का संज्ञानात्मक मॉडल को प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन है सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएँ हैं, 4, 2, 3 या फिर 5? तो सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएँ हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, 24 नंबर का ऑप्शन 3 हो जाएगा, मतलब सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं हैं, तो ऑप्शन सी 3 अवस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन है रूपांतर विकृति को पहले कहा जाता था, रूपांतर विकृति को पहले क्या कहा जाता था, चक्कर आना, शरीर दुष्क्रिया, आकृति विकृति, दर्द संलक्षण या फिर हिस्टीरिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हिस्टीरिया हो जाएगा। रूपांतर विकृति को पहले कहा जाता था, पहले क्या कहा जाता था, इसको हिस्टीरिया कहा जाता था। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन में है आनंद सिद्धांत संबंधित है, आनंद सिद्धांत जो है ये संबंधित है किससे, प्राहम से, अहम से, उपाहम से, चेतन से? तो आनंद सिद्धांत जो है संबंधित है ये किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपाहम से। उपाहम से जो है ना ये संबंधित है आनंद सिद्धांत। अगला क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन है अपनी कमजोरियों को इसरो पर आरोपित करना कहा जाता है, अंतःक्षेपण, प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया निर्माण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अपनी कमजोरियों को इसरो पर आरोपित करना क्या कहलाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रक्षेपण कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है व्यवहार चिकित्सा संबंधित है, सीखना सिद्धांत से, अभिप्रेरण सिद्धांत से, बुद्धि सिद्धांत से या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यवहार चिकित्सा संबंधित है सीखने के सिद्धांत से। तो मैं 28 क्वेश्चंस लेके आई थी, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।